मैं यही पूछना चाहूँगी कि एक डायरेक्टर की लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, क्या पूरा रोल होता है एक डायरेक्टर का, एंड कैसे वो एक एक्टर से अपना काम निकलवाता है एक एक्टर, तो मैं जानना चाहूँगी इस बारे में। देखिए अगर सबसे बड़ी चीज़ होती है डायरेक्टर बनने के लिए, जैसे कि आप बिल्कुल रॉ होते हैं, कई सारे रास्ते हैं जाने के लिए। पहला तो ये कि आप आजकल तो बहुत से इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन, जहाँ पे डायरेक्शन के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया जाता है, जिसमें आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में बताई जाती है, जिसमें आपको प्री प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है, पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। या तो आप वो कर लें, या तो फिर अगर वो नहीं करना आपको लगता हो कि समय ज़्यादा ज़ाया होगा, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, तो आप किसी अच्छे डायरेक्टर के असिस्टेंट बन जाइए। और असिस्टेंट बन जाने के साथ ये होता है कि आप ग्रेजुअली नीचे से ऊपर जब जाते हैं, तो एक एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हैं, कैसे वो डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेवल पे काम करता है, फिर कहानियाँ कैसे बनती हैं, स्क्रीन प्ले कैसे लिखे जाते हैं, डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, फिर उसमें आगे जाके कास्टिंग कैसे की जाती है। कास्टिंग की जाती है तो उसमें कास्टिंग में ये देखा जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये कितना कमर्शियली वाइबल है। अब वाइबल है नहीं है, प्रोड्यूसर उसको वाइबल प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, या वो सोचता है कि मैं रिस्क ले लूँ अपने पैसे का और आगे फिल्म को मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ, मैं भी फिल्म चल जाए तो मैं पैसे कमा लूँ। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कई सारी चीज़ें, जैसे FTI है, एक इंस्टीट्यूट है, कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट है, एक मद्रास चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट है, जो कि ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर आपको फिल्म मेकिंग सिखाई जाती है, जिसमें एक्टिंग से लेके डायरेक्शन, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, हर चीज़ का आपको कोर्स के बारे में बताया जाता है। ये तो हुआ आपका वो स्टेज जो आप इंस्टीट्यूट के थ्रू जाएंगे, और वैसे आपका जो स्ट्रगल शुरू होता है, इन द सेंस आप जानना चाहते हैं फिल्म मेकिंग, तो किसी डायरेक्टर का असिस्टेंट बन के शुरू से आप चलिए, तो आपको सब समझ में प्रोसेस समझ में आ जाता है। तो ये हुआ, जैसे कि मैंने किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ली, बट मैंने डायरेक्टर को असिस्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे, बट इट टेक्स टाइम, टाइम इन द सेंस मुझे उस बात को सारा प्रोसेस करके डायरेक्टर बने मुझे तकरीबन 10 साल लगे। और आजकल तो चूँकि टीवी भी आ गया, उस वक्त टीवी नहीं था, तो लोगों को और टाइम लगता था, मतलब मेरे सामने मेरे से सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बन पाए थे, या तो काफ़ी वो स्ट्रगल था उनके लिए, या मे बी कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जिसके वजह से वो अचीव नहीं कर पाए, या उनको डर लगता था कि मैं अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, मैं रिस्क लूँ नहीं लूँ। तो बहुत बड़ी चीज़ है आपको डिसाइड करना की ज़रूरत है एज ए डायरेक्टर, कि आपको अचीव क्या करना है। अगर अचीव करना है तो देर इज़ नो फिक्स इनकम टू इट एज एन असिस्टेंट, तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे कि कहीं जॉब छोड़नी पड़ेगी, कहीं आपको पकड़नी पड़ेगी, कहीं खाली कभी बैठना पड़ेगा, और फिर उसके साथ साथ यू हैव टू वॉच लॉट ऑफ फिल्म्स, काफ़ी इंटरनेशनल फिल्में देखिए, काफ़ी इंडियन लेजेंड्स जिन्होंने फिल्में बनाई हैं वो देखिए। वो इसलिए नहीं कि आप टेक्निकली सीखिए, बट उनके इमोशन को समझने की कोशिश कीजिए कि इमोशनली कैरेक्टर्स को कैसे उन्होंने लिखा है, कि वो आपको कैसे छूते हैं इमोशनली, या अगर कुछ ड्रामा है, ड्रामे के लेवल पे भी या कॉमेडी के लेवल पे भी, कैसे वो आपको टच करते हैं वो। और वो फिल्में देखने के बाद आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि भाई ये अगर मैं बनाऊंगा ये फिल्म, तो मैं कैसे इसको सोचता, इस कहानी को मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करता। तो आप एक कंस्ट्रक्ट करके देख लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए कि भाई आपने जो ये जो लिखा है या जो देखा है उसमें बेटर किया है, या आपको लगता है कि इसमें चीज़ होती तो शायद वो बेटर हो सकता था। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप सेल्फ स्टडी ज़रूरी होती है। और जहाँ तक कि एक्टर्स को डील करने की बात होती है, अच्छा फिर उसमें जैसे स्क्रिप्ट की बात है, अब स्क्रिप्ट में यू कैन हैव एन राइटर जो कि आपके साथ काम कर ले, या आप एक कहानी का खाका बना लीजिए, या बाकी जो स्क्रीन प्लेज आप देखते हैं हाई पॉइंट्स बना लेते हैं, कि फिल्म के 4 पॉइंट्स होते हैं, कि फर्स्ट हाफ का एक पॉइंट होता है, इंटरवल पॉइंट होता है, उसके बाद एक थर्ड पॉइंट होता है, फिर क्लाइमेक्स वाला पॉइंट होता है। तो इसमें कहानी का जो प्रोग्रेशन है वो कैसे हो, कि ऑडियंस फर्स्ट पॉइंट तक कैसे होल्ड होगी, क्यों देखना चाहेगी, फर्स्ट से सेकंड पॉइंट तक क्यों होल्ड करेगी, यस इंटरवल के बाद लोग क्यों बैठेंगे फिल्म देखने के लिए, ऐसा क्या इंटरेस्ट है फिल्म में, और उसके बाद क्लाइमेक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि फाइनली ऑडियंस घर लेकर जाती है, बाकी सब भूल जाती है। तो दैट हैज़ टू बी रियली हैपनिंग, या बहुत कमाल का होना चाहिए कि ऑडियंस उसके साथ जाए या उस क्लाइमेक्स के साथ बाहर निकले। अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको एक न्यू कमर को लाइक डेब्यू देना है, या फिर एक ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, तो आप किसको चूज़ करेंगे एंड क्यों? नहीं देखिए, मतलब आजकल एटलीस्ट फिल्म मेकिंग बहुत बड़े स्टेक वाली बात हो गई है, मतलब चीज़ें इतनी महंगी होंगी, एक्सपेंसिव हो गई हैं,
और आप को ज़्यादातर कोशिश लोग यही होती है कि एस्टैब्लिश एक्टर के साथ ही काम करें, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एंड ऑफ द डे किसी का पैसा इन्वॉल्व होता है, समझ रहे आप, पैसे की रिकवरी की ज़रूरत होती है, फिल्म थिएटर तक जाए, लोग देखें और लोग उसको अप्रिशिएट करें, वो एक्चुअली पहला प्रेफरेंस वही होता है। सेकंड जो आप नए एक्ट्रेस की बात जहाँ तक कर रहे हैं, आप नए एक्ट्रेस का तभी आप काम कर सकते हैं जब या तो प्रोड्यूसर रेडी हो वो पैसे डालने के लिए कि भाई मैं नए के साथ बनाऊँगा और रिस्क मैं उठाऊँगा, या तो फिर कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस, या आप अपने आप में अपने बड़े नाम बन जाओ कि आपने किसी को के साथ बनाया फिल्म तो बायर्स खड़े होंगे या आप उनको मार्केट कर सकते हो अपने नाम के, बट देयर हैज़ टू बी सम टैग लाइन, सम नेम टू इट सो दैट लोगों को मार्केट कर सको, कि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज फिल्म मेकिंग में, तो वो एक मेजर इशू है जो कि आ जाता है। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।